राजसमंद शहर के प्रज्ञा विहार परिसर में मुनि प्रसन्न कुमार व मुनि धैर्य कुमार के सानिध्य में समण सिद्ध प्रज्ञ का मंगल भावना समारोह हुआ। समण सिद्ध प्रज्ञ ने 35 वर्ष तक समण श्रेणी में रहकर 22 देशों की यात्रा कर हजारों लोगों में प्रेक्षा ध्यान की धार्मिक प्रभावना की है, जो अब अगले वर्ष उज्जैन में आचार्य महाश्रमण के हाथों दीक्षित होकर संत बनने जा रही हैं। मंगल भावना की शुरुआत काकरोली से की गई। इस दौरान तेरापंथी सभा अध्यक्ष प्रकाश सोनी, हिम्मत कोठारी, चंद्र प्रकाश चोरड़िया, महेंद्र कोठारी, सुखलाल वागरेचा, जगजीवन लाल चोरड़िया, राकेश टुकलिया, चंदा टुकलिया व सूरज जैन आदि उपस्थित थे। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने जिला कलेक्टर स्थित सांसद कार्यालय पर जनसुनवाई की। इस दौरान सांसद ने कहा कि जिले को पर्यटन सर्किट से जोड़ने का मुख्य ध्येय है और इसके लिए वे ठोस प्रयास कर रही हैं। धार्मिक स्थलों को पर्यटन नक्शे पर लाकर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। मीडिया संयोजक मधु प्रकाश लड्डा ने बताया कि GST व कर संगठन से जुड़े अनेक संगठनों ने संसद में GST से जुड़ी समस्याओं का मुद्दा उठाने पर सांसद दिया कुमारी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान नंदलाल सिंधवी, बंशीलाल खटीक, गोपाल कृष्ण पालीवाल, संगीता कुंवर चौहान, महेंद्र कोठारी, सुनील जोशी, महेंद्र सिंह चौहान, प्रदीप काबरा, शरद बागोरा, मान सिंह बारट, चतर सिंह राजावत, बोतलाल जाट, प्रवीण नंदवाना, विनोद जोशी, धीरज पालीवाल, नर्मदा शंकर पालीवाल, श्री कृष्ण पालीवाल, कणुजा सरपंच राकेश जैन आदि उपस्थित थे। राजसमंद शहर में भीलवाड़ा रोड स्थित रैन बसेरा के पास भाजपा जिला कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया द्वारा किया गया। मीडिया प्रवक्ता अरविंद सिंह भाटी ने बताया कि संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि यह कार्यालय कोई ऑफिस नहीं है, बल्कि जन समस्या के समाधान का केंद्र बिंदु है। कार्यकर्ता का यह कर्तव्य है कि आम जन की समस्या का समाधान करे। चंद्रशेखर ने उचित जगह व बेहतर भवन निर्माण करने पर सभापति सुरेश पालीवाल, भवन निर्माण समिति अध्यक्ष भंवरलाल शर्मा व टीम को बधाई दी। विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सत्य की असत्य पर जीत का पर्व है और इसलिए मैं सबको हटने से शुभकामनाएं देता हूं। आज दो कार्यालयों के उद्घाटन भीलवाड़ा और राजसमंद, 6 कार्यालयों के शिलान्यास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा हुए हैं। कार्यालय संगठन कार्य की गतिविधि के जहाँ केंद्र हैं, वहीं पर संगठन के कार्य विस्तार के भी केंद्र हैं। निश्चित रूप से ये प्रेरणा के केंद्र, आम लोगों की जनसेवा के केंद्र बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कार्य विस्तार और उसकी गतिविधि का व्यवस्थित संचालन भी यहाँ से होगा। आज यह कार्यालय राजसमंद और भीलवाड़ा में कार्यकर्ताओं को समर्पित हुए हैं। कार्यकर्ताओं ने तन मन धन पूर्वक इसके निर्माण किए हैं, इसलिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में राजसमंद सांसद दिया कुमारी, कुमलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी, भीम के हरिसिंह रावत, जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर संभाग प्रभारी हेमराज मीणा सहित भाजपा के सभी 23 मंडल प्रभारी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन गोपाल कृष्ण पालीवाल व सुनील जोशी ने किया। जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी आराम नहीं करता, किसी न किसी कार्य से वो व्यस्त रहता है, जनता के बीच रहता है। और जो केंद्र सरकार के माध्यम से जितनी भी योजनाएं हैं, कोविड के अंतर्गत भी आपने देखा होगा कि सेवा के कार्य हमारे एक एक कार्यकर्ता ने की है और सारी जितनी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, वो भी हर व्यक्ति तक पहुँचाई है। तो उसी कड़ी रही, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, तो बिल्कुल चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं, चुनौती के लिए तैयार हैं और पूरी तरह से हम लोग बहुत अच्छा इसका परिणाम भी होगा। मैम, हमारी मीटिंग भी है इसके बाद। JP नड्डा जी ने कहा कि ऐतिहासिक 3 कानून कृषि लेकर आए हैं, लेकिन राजस्थान में 31 तारीख से विधानसभा शुरू होने जा रही है। पंजाब के बाद में राजस्थान में जो विधेयक लाया जा रहा है उसके विरोध में, कृषि कानून के विरोध में, आप क्या कुछ देखते हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो कृषि तीनों जो हमारे विधेयक हैं, उनको मुझे लगता नहीं है कि जो कांग्रेस सरकार इतना विरोध कर रही है वो किस चीज का विरोध कर रही है। किसान को मजबूत बनाया है केंद्र सरकार ने, उसको आत्मनिर्भर बनाया है केंद्र सरकार ने, इस चीज का विरोध कर रही है क्या? मैं उनसे पूछना चाहूंगी, शायद उन्होंने विधेयक ठीक से पढ़ा नहीं हो सकता है कि कई चीजें हैं जो बदली है। अब आज की तारीख में किसान इस विधेयक के बाद
इंडिपेंडेंट हो गया है, वो अपनी उपज को कहीं भी जाके बेच सकता है, उसको किसी के वो नहीं है। पहले क्या था कि वही एक तरीका था, उसी तरीके से कर सकता था। और वो जो पुराना जो है सब कुछ जो चल रहा था, जब हमारी मंडी की बात करें, MSP की बात करें, वो तो वैसे ही रहेगा ना, उसमें बदलाव बिल्कुल नहीं आने वाला। एक अतिरिक्त व्यवस्था दी केंद्र सरकार ने, उसमें क्या विरोध कर रहे हैं? अगर आज किसान की उपज बढ़ती है तो उसका भी विरोध करेंगे क्या? मैं तो ये पूछना चाहूंगी, विरोध किसका हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है या किसान का हो रहा है? थैंक यू मैम। गढ़बोर स्थित प्रसिद्ध चारभुजा नाथ मंदिर के मुख्य द्वार को देवस्थान विभाग द्वारा रविवार को सुबह शुभ मुहूर्त में 8:15 बजे खोल दिए गए। ढोल नगाड़े थाली मादल के साथ मंदिर पुजारी व पूर्व उप जिला प्रमुख मदन गुजर के साथ पुजारियों द्वारा विशेष पूजा अर्चना कर मुख्य द्वार को खोला गया। इस दौरान चारभुजा नाथ के जयकारों से समूचा गढ़बोर गूंज उठा। करीब 7 माह बाद मंदिर का मुख्य द्वार खुला है। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन के तहत मास्क का उपयोग, सैनिटाइजर की व्यवस्था के तहत नियमित दर्शन शुरू हो गए। मंदिर के प्रभारी तिलकेश पालीवाल ने बताया कि देवस्थान आयुक्त प्रियंका भट्ट व जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल के आदेश के बाद शुभ मुहूर्त में रविवार सुबह मंदिर के द्वार खोले गए। इस अवसर पर सोहनलाल वीरावत विहिप चारभुजा प्रखंड अध्यक्ष, रामचंद्र गुजर, देवीलाल धनराज पंचोली, पिंटू माली आदि उपस्थित थे। चिकित्सा विभाग द्वारा रासमंद के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर JP बुनकर का उदयपुर तबादला कर दिया, जबकि भीलवाड़ा से डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा को रासमंद CMHO पद पर लगाया है। इसके अलावा भीम ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र दुलारा का भी जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। पिपली अहिरान में कालका माता मंदिर परिसर में हवन अनुष्ठान के साथ नवरात्रा अनुष्ठान संपन्न हुए। ढोल नगाड़े के साथ शोभा यात्रा तलाई पर पहुंची, जहां अगले वर्ष अच्छी बारिश होने के संकेत दिए हैं। फिर सरोवर पर जवारे विसर्जित किए गए। इस अवसर पर भोपाजी, अमराजी, लालूजी, सरूजी, राणा पूंजा संगठन अध्यक्ष देवीलाल बिल सहित बड़ी तादाद में ग्रामवासी थे। किसी की अनसुनी कहानी है जयवर्धन, हर गरीब वंचित की जुबानी है जयवर्धन, कहीं ढाणी तक सड़क तो कहीं गांव का पानी है जयवर्धन, हर विषमता के खिलाफ युवाओं की जवानी है जयवर्धन, नौचौकी की पाल है तो राजसमंद झील का पानी है जयवर्धन, मीरा के घुंघरू की खनक तो महाराणा के शौर्य की कहानी है जयवर्धन, महाराणा के शौर्य की कहानी है जयवर्धन। कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश भर में रावण दहन के कार्यक्रम निरस्त हो गए, लेकिन गढ़बोर मुख्यालय चारभुजा में सारे प्रतिबंध धरे रह गए। पुलिस व प्रशासन की लापरवाही के चलते हर वर्ष की भांति रविवार को भी रावण के पत्थरों से छलनी कर दिया। यहां रावण के पुतलों को जलाया नहीं जाता, बल्कि पत्थर मारे जाते हैं। इसके तहत प्रारंभ में चारभुजा जी की कसार आरती हुई, फिर पुजारी गज मंडी परिसर में एकत्रित हुए, जहां चवट डुलाते हुए नरसिंह द्वारा अखाड़ा पहुंचे। यहां राम जी की बाल प्रतिमा को सिर पर रखकर पुजारी जवाहर सागर मैदान पर पहुंचे, जहां मांगीलाल सरगरा द्वारा रावण की प्रतिमा पत्थरों से बना रखी, हाथ पेट व सिर पर मटकों के साथ आकर्षक रंग किया गया। फिर कस्बे के युवाओं ने परंपरा अनुसार पत्थर फेंककर पत्थर के रावण को ध्वस्त कर दिया। बाद में श्री राम की प्रतिमा की आरती उतारी गई। राजसमंद जिले में भीम थाना क्षेत्र के टिबाणा तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। भीम थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि टिबाणा में धार्मिक स्थानक पर आए थे, तभी पास के तालाब में मानपुरा निवासी राजवीर 7 पुत्र रमेश सिंह रावत उतर गया, जो गहरे पानी में डूबने लगा। उसे बचाने के प्रयास में शकरवास जवाजा अजमेर निवासी कालू सिंह 12 पुत्र मुकेश सिंह रावत कूद गया, इससे दोनों ही बच्चे डूब गए। बाद में सूचना पर भीम थाने से हेड कांस्टेबल राम गोपाल मय जाप्ते के घटना स्थल पर पहुंच गए। ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चों को बाहर निकलवाया और तत्काल एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीम ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इस पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के साथ बाद शव परिजनों को सौंप दिया।